मित्रों, आजकल बागेश्वर वाले बाबा जी अपनी चमत्कार के वजह से काफ़ी चर्चा में हैं। बाबा जी ने अपनी मात्र 25 से 26 साल के उम्र में ही वो मुकाम हासिल की है जो बड़े बड़े सुर में भी नहीं कर सकते। आज के समय में इन्हें देश विदेश में लाखों चाहने वाले हैं, और हो भी क्यों ना, बाबा जी के कारनामे ही कुछ अद्भुत होते हैं। जिस तरह से ये बाबा जी भक्तों के मन की बात को जानकर पर्चे में लिख डालते हैं, और जो काम बड़े बड़े संत या महात्मा अथवा डॉक्टर नहीं कर सकते, उनका इलाज बस कुछ ही समय में बता देते हैं, जो सच में एक चमत्कार ही कहा जाएगा। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या सच में इनके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं, या फिर कुछ और ही जो हम समझ नहीं पाते? आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं आज के वीडियो में। मित्रों, बागेश्वर वाले बाबा जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर साधक कहे जाते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गणा नामक स्थान पर 4 जुलाई 1996 को हुआ था। इनके दादाजी का नाम पंडित श्री भगवान दास गर्ग, पिता का नाम पंडित श्री रामकृपाल गर्ग व माता श्रीमती सरोज गर्ग हैं। इनके दादाजी, पिताजी व बाबा जी, ये तीनों ही बागेश्वर धाम के साधक हैं। इनका परिवार पूरी तरह से पूजा पाठ व दक्षिणा पर ही निर्भर था। जब बाबा जी छोटे थे तब इन्होंने काफ़ी गरीबी देखी है, कच्चे मकान व जर्जर हाल। परंतु ऐसे हाल में भी बाबा जी ने कुछ अलग करने की ठान रखी थी। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ज़्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत करते थे। इनके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। बाबा जी ने रामायण व भगवद गीता की शिक्षा व अध्ययन अपने दादाजी से पूर्ण किया था। ये बचपन में वृंदावन जाकर कर्मकांड सीखना चाहते थे, परंतु आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण इनकी शिक्षा वृंदावन से ना हो पाई। इसलिए वे अपने गांव के पास में ही स्थित बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी का ध्यान करना शुरू किया, जिससे उन्हें एक अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई। और जो अपने दादाजी से रामायण अथवा जो हिंदू काव्य का अध्ययन किया था, उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए दरबार लगाने लगे। इसी कारण कम उम्र में ही लोग इन्हें गुरु मानने लगे थे। बागेश्वर वाले बाबा जी अपने पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। ये दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बागेश्वर वाले बाबा जी अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति में लगा दिया। बचपन से ही वे कई सिद्धियों को प्राप्त करते गए। ये हनुमान जी के अनन्य भक्त कहे जाते हैं, जिनके कारण इन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त है। परंतु एक वीडियो में इन्होंने खुद कहा है कि ये किसी के मन की बात को पढ़ लेना या जान लेना एक प्रकार की विद्या है, ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, और साधना के बल पर भी ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। और माइंड रीड करने वाले ये भारत के कोई पहले व्यक्ति नहीं है, बल्कि इनसे भी कम उम्र के कई और भी लोग हैं जो सामने वाले को बिना कुछ बताए ही उनके मन की बात को जान लेते हैं, जैसे सुहानी शाह, राहुल खरवंदा, अरुण लोगानाथन आदि। परंतु वे इतने तेजी से किसी को नहीं पढ़ सकते जितनी तेजी से ये बाबा जी अपने पर्चे में भक्तों की अर्जियां लिख डालते हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सिद्धियां। क्योंकि एक जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि अष्ट सिद्धियों का ज्ञान रखने वाले हैं, जो इन्हें स्वयं हनुमान जी से प्राप्त हुई है, जिसके बदौलत ये लोगों की समस्याओं को क्षण भर में पढ़कर अपने पर्चे में लिख डालते हैं और साथ ही साथ इसका इलाज भी बता देते हैं। वैसे तो हम में से ज्यादातर लोग इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं, परंतु जो लोग इनके दरबार में गए हैं, उनके अनुसार बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गणा नामक स्थान में हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के पास है। इस मंदिर के प्राचीन सन्यासी बाबा की प्रतिमा व बागेश्वर वाले बाबा जी के दादाजी की समाधि बनी हुई है, जहां हर मंगलवार को दिव्य दरबार लगाया जाता है, जहां पर भक्तों की अर्जियां लगती है। यहां पर बागेश्वर वाले बाबा जी लोगों की समस्याओं को निःशुल्क निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज को भारत व भारत के बाहर से भी कई अवार्ड से नवाजा गया है। ब्रिटिश संसद के द्वारा इन्हें संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ लंडन अथवा वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप से सम्मानित किया गया है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। वैसे तो इनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, परंतु सभी पहलू को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अगर आप भी इन बाबा को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कॉमेंट में सन्यासी बाबा की जय भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।